बिंद के 7 जिलों की 30 सीटों पर हालात कुछ ऐसे ही हैं। बॉर्डर कई मुद्दों पर न केवल सरकार बल्कि कांग्रेस से भी नाराज हैं। चुनाव की जितनी तैयारी नेताओं ने की है, बॉर्डरों ने भी जवाब देने के लिए उतनी ही तैयारी सभी 30 सीटों पर कर रखी है। जब अमर पाटन विधानसभा क्षेत्र कस्बे न्यू रामनगर में दस्तक दी तो पता चला कि डूब प्रभावित हर सूद क्षेत्र के लोगों की पीड़ा तो देश जानता है, पर न्यू रामनगर की कहानी कभी कस्बे से बाहर नहीं निकल सकी। इस क्षेत्र के 50 से अधिक गांव के बाड़ा सागर बांध के चलते विस्थापन का दर्द भुगता है। यहां भेदभाव, जातिवाद, वादा खिलाफी, विकास की अनदेखी, रोजगार की कमी और पलायन जैसे मुद्दों का एकजुट विरोध है। राहुल गांधी के दौरे ने युवाओं में जोश तो भरा, पर बसपा की हवा भी इस बार ज्यादा है। बिंद क्षेत्र से 2 सीएम हुए हैं, अर्जुन सिंह और गोविंद नारायण सिंह। हर बार जातिवाद ही यहां का चुनावी गणित सेट करता है। इस बार भी यहां मायावती की बसपा जातिवादी ताकत के रूप में उभरी है। पिछले 4 चुनाव में सभी सीटों पर हारने के बावजूद बसपा 15-25% तक वोट हासिल कर अपना वोट बैंक मजबूत कर चुकी है। कांग्रेस से नाता नहीं जोड़कर उसने ओबीसी वोट के लिए रास्ता खोला है। सतना रीवा के कई इलाकों में इस साल सूखे जैसे हालात झेल रहे किसान सिंचाई के लिए बिजली की कमी, उपज की उचित कीमत न मिलने के चलते आक्रोश में है। वहीं मध्य वर्ग महंगाई तो व्यापारी जीएसटी के साथ सड़कों की बदहाली से भी खासे आक्रोशित है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क।